भागवत गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परम ब्रह्मा को भजते हैं, इस दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रिय के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर को भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में विनिवास करोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोककर अनंत भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता है, अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिसे न लोगों का भय है न लोगों से डरना है, ऐसा जो हर्ष ईर्ष्या दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वो मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष निष्पक्ष दुख रहित, फल की आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ या शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समाज जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं।